आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर जिले के सभी तहसीलदार रायगढ़ में कतिपय अधिवक्ताओं द्वारा तहसील में पदस्थ लिपिक को पैसा के लेन देन और फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर कहा सुनी हो गया। उसे वकीलों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान बीच बचाव करने आए नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर के साथ किए गए हाथापाई करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कनिष्ठ सेवा संघ ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर सभी जिले के कनिष्ठ सेवा संघ द्वारा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम और कलम बंद करते नाम ज्ञापन सौंपा और जब तक आरोपी के ऊपर कार्रवाई ना हो जाए तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की बात कहे। रायगढ़ जिले में तहसील कार्यालय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वहाँ पदस्थ बाबुओं के ऊपर मारपीट किया गया है वहाँ के अधिवक्ता के द्वारा। अगर उस अधिवक्ता का गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं और प्रदेश में सभी शासकीय कार्यालय को बंद कर हड़ताल में जाएंगे। रायगढ़ जिला में हमारे तहसीलदार साहबों को साथ में जो मारपीट हुई है इसके विरोध में हम लोग हमारे जांजगीर चांपा जिला के कोटवार संघ की तरफ से हम लोग इनके समर्थन में आए हैं और इनके द्वारा जो मांग की गई है अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ने की स्थिति में हमारा कोटवार संघ भी इन लोगों के समर्थन में उग्र आंदोलन करने के लिए भी हमारे साथी लोग तैयार हैं। लिपि अभित्य को के साथ जो मारपीट हुआ है उसके विरोध में प्रशासनिक सेवा संघ आज हड़ताल पर है और हमारा राजनीतिक संघ भी उनके समर्थन में आज एक दिन का सामूहिक अवकाश पर है। रायगढ़ जिला में तहसील कार्यालय में वहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वहाँ के उनके रीडर भित्त उनके साथ जो मारपीट हुआ है उस घटना का हम निंदा करते हैं और उनसे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यह धरना पूरे प्रांत स्तर पर चल रहा है। राज्य प्रशासनिक सेवा तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ है और इनके साथ में पटवारी और राजस्व निरीक्षक इनका भी समर्थन है और हम लोग उनसे जो मारपीट किया है उसकी कभी दोहराव ना हो और राजस्व अधिकारी को सुरक्षा प्रदान की जाए, इस संबंध में सरकार से मांग के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।